नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम समय चक्र में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। हर रोज की तरह हम लेकर हाजिर हैं ये खास प्रोग्राम जिसमें हम आपको बताते हैं आपका राशिफल, जिसके मुताबिक कहाँ पर रहना है आपको अलर्ट और कहाँ पर करना है फोकस। साथ ही साथ चर्चा होती है खास विषय पर और अंत में सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण काम की बात। ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके एस्ट्रो फ्रेंड पंडित शशि शेखर त्रिपाठी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय गणपति। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग क्या है। संवत 2076 माह पौष शुक्ल पक्ष है, तिथि त्रयोदशी तिथि है, योग शुक्ल योग है। आज रात में 9:14 तक इसके उपरांत ब्रह्म योग लग जाएगा। चंद्रमा वृष राशि में संचरण कर रहे हैं और नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है। आज दोपहर 3:51 तक इसके उपरांत मृगशीर्ष नक्षत्र लग जाएगा। राहु काल दोपहर 12 से लेकर 1:30 तक रहेगा। इस बीच में कोई शुभ कार्य नहीं करने हैं और वार बुधवार है और दिशा शूल उत्तर दिशा की ओर है। आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए। किसी दूसरी शहर आप किसी धन के लिए जा रहे हैं तो आज टाल दीजिए, और अगर फिर भी जाना पड़े तो गणपति जी की पूजा करके यात्रा सफल होने की प्रार्थना करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था आज का पंचांग। आइए अब शशि जी से जानते हैं पहली 4 राशियों का राशिफल। मेष राशि वालों के लिए फोकस है। मित्रों के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करिए, कुछ यादगार पल व्यतीत होंगे और साथ ही करियर को लेके भी कुछ प्लानिंग होगी। अलर्ट रहना है। माता के स्वास्थ्य में कुछ नरमी आ सकती है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिएगा। वृष राशि वालों के लिए फोकस है। संतान की ओर से आज आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं, यानी बच्चा अगर पढ़ रहा है तो पेरेंट्स मीटिंग में अच्छी सूचना मिलेगी और अगर जॉब में है तो उन्नति होगी। अलर्ट रहना है, किसी के विवाद में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है वरना प्रॉब्लम हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए फोकस है। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बढ़ेगा, सुखद रहेगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अलर्ट रहना है कि बेवजह की बातों का बतंगड़ न बनाए अन्यथा तनाव हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए फोकस है। आपकी जो काम करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, इससे आपको बहुत लाभ होगा और इस समय मानसिक स्थिति और मन ये जो है पूरा काम में ही फोकस है, तो आप काम करिए, आपको लाभ होगा। अलर्ट रहना है कि नियम और कानून का बिल्कुल उल्लंघन नहीं करना है नहीं तो कुछ तनाव हो सकता है आपको। तो ये था पहली 4 राशियों का राशिफल। अब हम चर्चा करेंगे आज के खास विषय पर और हम शशि जी से जानेंगे कि 2020 में यानी कि इस पूरे साल शनि देव किस प्रकार का फल देंगे और सभी राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे। दर्शकों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 2020 में शनिदेव की बैटिंग कैसी होगी, यानी शनिदेव का क्या प्रभाव होगा। और ख़ास बात यह है कि जनवरी माह में ही शनिदेव भी अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं, यानी शनिदेव अब धनु राशि से मकर राशि में जा रहे हैं और मकर राशि उनका खुद का घर है। अपने ही घर में जब कोई ग्रह जाता है तो निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न रहता है, उस घर को बनाता है, उसकी वृद्धि करता है। लेकिन ये जो मकर राशि है ये हर राशि वालों के लिए अलग अलग भाव में पड़ती है और शनि के लिए जो दृष्टि कही गई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये जो भाव में जाना और दृष्टियों के प्रभाव से अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा और 2020 कैसा होगा, इसके विषय में आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेष राशि वालों के। मेष राशि वालों के लिए जो ग्रहों की स्थिति है वो कर्म भाव में 24 तारीख के बाद शनिदेव पहुंच जाएंगे, अपने ही घर में होंगे, तो सारा फोकस कैरियर पे करना है, यानी अब कैरियर का जो डेवलपमेंट है वो तेजी के साथ होगा। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं, चूँकि सर्विस के देवता शनिदेव हैं तो बहुत मन लगाकर काम करना होगा, बिल्कुल आलस नहीं करनी होगी। वहीं ध्यान ये भी रखना है कि कुछ दिल पर चोट लगती रहेंगी। दिल पर चोट लगने का अर्थ है कि शनिदेव ये चेक भी करते रहेंगे
कि आपको कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा है, कर्म आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्वाभिमान तो नहीं है, तो थोड़ा सा आपको दिल पर चोट लगती रहेगी। वहीं माँ के स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा नरम कर सकते हैं। अगर माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनका ध्यान रखिएगा इस वर्ष। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोगों का, जो लोग वैवाहिक हैं, उनको अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, तो अपने दिनचर्या, अपनी फिटनेस के साथ साथ जीवन साथी की भी फिटनेस का बहुत ध्यान रखना होगा। वृष राशि वालों के लिए जो शनिदेव हैं वो योग कारक होते हैं, काफ़ी पॉजिटिव होते हैं नेचुरल रूप से। कुंडली में अलग अलग जगह बैठते हैं, उसका फल उनको घटाता बढ़ाता है वो अलग विषय, लेकिन यहाँ हम लोग एक जनरल बात कर रहे हैं। जनरल बात करने में ध्यान ये रखिएगा कि डेस्टिनी का आपको सपोर्ट रहेगा, यानी किस्मत आपके साथ है, आपको मेहनत करनी है। वहीं एक बात ध्यान ये रखनी है कि पिता का सम्मान, अपने ग्रैंडफादर का सम्मान बहुत करना है। भूल कर भी कुछ ऐसे मुंह से वाणी ना निकले जिससे उनका अपमान हो सके, निरादर हो सके, तो आपको बहुत केयर करनी है। वहीं आपको ध्यान ये रखना है कि आपसे बड़े भाई बहन थोड़े से दिक्कत में आ सकते हैं, उनको चोट लग सकती है। इसके अलावा जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको आर्थिक रूप से उनका इंक्रीमेंट रुक सकता है, लेकिन कोई जॉब बदल सकती है। इंक्रीमेंट रुकने के कारण आप जॉब बदल लें और आपको बहुत भाग्योदय हो जाए आपका। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। अब मिथुन राशि वालों के लिए जो शनिदेव हैं वो थोड़े से सख्त रहेंगे, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतेंगे। इसके अलावा जॉब में भी बदलाव हो सकता है, जॉब अच्छी हो सकती है। और वहीं पिता यदि जॉब करते हैं तो उनको भी नौकरी बदलनी पड़ सकती है या ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा मिथुन वालों के लिए जो सबसे ख़ास बात यह है कि जो शोध कर रहे हैं, अगर कोई पुरानी पढ़ाई आप कर चुके हैं वो सब काम आएगी। कई बार ऐसा होता है कि जॉब में आपने अगर 10th में कोई चीज़ पढ़ी है वो जॉब में काम आ रही है, यानी पहले की गई पढ़ाई वो आपके बहुत काम आएगी, यानी इतिहास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखिएगा, आहार ऐसा लीजिएगा जिससे कि कब्ज ना हो, क्योंकि पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये जो 2020 है ये है पार्टनरशिप का। अगर आप किसी के साथ एसोसिएट हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। इसको ऐसे समझिएगा कि ये वर्ष ऐसा है कि दो बैट्समैन खेल रहे हैं, यानी आपका सामने वाला जो बैट्समैन है वो बैटिंग ज़्यादा तेज करेंगे और आपको वहाँ पर क्रीज पर रहना है। यानी आप अगर पार्टनर हैं तो आप केवल चीज़ों को संभालिए, बैटिंग उनको करने दीजिए, यानी मेन स्ट्राइक आपका पार्टनर लेगा इस वर्ष। वो चाहे जीवन साथी हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपके ऑफिस में आपके कलीग्स हो, तो यानी आपकी टीम बहुत अच्छा काम करेगी, यानी टीम के काम से आपको यश मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए जो ये वर्ष है, ये वर्ष दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग को बिगाड़ सकता है, पार्टनर के साथ मतभेद करा सकता है, ईगो क्लैशेस करा सकता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको विजय दिलाने वाला है। आपके जो भी कंपटीशन है, जो भी आपकी चुनौतियां हैं, उस चुनौती में आप विजय प्राप्त करेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना है, छोटे भाई बहन का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और आपको भी कान में कोई दिक्कत हो सकती है, तो अगर कान में कोई पहले से समस्या है तो डॉक्टर से संपर्क करिएगा। इसके अलावा ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ लाभ हो सकता है, तो थोड़ा इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए आपको काम करना होगा। कन्या राशि वालों के लिए जो इस शनि का जो मेन फोकस करना है, जो शनि का जो मेन है वो है ब्रेन एक्टिव होना, यानी आपको मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करना होगा। ब्रेन इम्प्रूव करेगा, और वो ब्रेन भी कैसा, ब्रेन जब भी शनि एक्टिव होंगे और मस्तिष्क से संबंध बनाएंगे तो आपकी समझ बढ़ेगी, आप बहुत समझदार हो जाएंगे और तमाम समस्याएँ आपकी समझ से ही निदान हो जाएगा उनका। यानी कोई भी बच्चों ऐसी हरकतें अब नहीं करनी है, बहुत गंभीरता लेके चलनी होगी। वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेके दिक्कत रहेगी, चोट चपेट लग सकती है। और वहीं आप जो भी यात्रा करिएगा तो कोशिश करिएगा कि खुद ड्राइव ना करें, कोई ड्राइवर या कोई और साथी साथ में जाए। तुला राशि वालों के लिए ये जो शनि की जो बैटिंग है वो करियर के लिए बहुत अच्छी,
और इसके साथ साथ घर में भी संपन्नता बढ़ेगी। हो सकता है कि अगर आप कोई नया फ्लैट या मकान बदलने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल बदल लीजिएगा, क्योंकि अब ये अवसर बनेंगे। और ये वर्ष केवल 2020 तक नहीं है, आपके लिए तो ढाई वर्ष बहुत पॉजिटिव हैं। इस वर्ष आपको करियर में निश्चित रूप से बदलाव हो सकता है, वो भी खास तौर से मई के आसपास आपकी नौकरी में बदलाव हो सकता है, या फिर कोई बड़ा इंक्रीमेंट हो जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, ताकि आप जहां बैठते हैं वो बैठने का स्थान भी बदल सके। माँ के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव की जो बैटिंग है वो है अपने नेटवर्क को बढ़ाने की। देखिए, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है, आप चाहे बिजनेस करते हो चाहे जॉब करते हो, लेकिन नेटवर्क अगर आपका बड़ा है, आपका व्यवहार बहुत है, तो इसीलिए कहते हैं ना, व्यवहार क्या कमाया है, तो ये वर्ष आपका धन से ज़्यादा व्यवहार कमाने का है। वहीं आपको अपने छोटे भाई पर भी फोकस करना है, उसकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित यदि कोई उनको दिक्कत है तो वो भी दूर करनी है। और यदि आपके कोई भाई नहीं है या आपसे छोटा कोई नहीं है, तो अपने साथ काम करने वाले छोटे भाई समान लोगों की पूरी मदद करनी है, उनकी प्रोग्रेस का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है। धनु राशि वालों के लिए जो शनि का जो मेन जो 2020 में जो काम है, वो आप ये समझिए कि आपको वाणी से आपको बहुत लाभ होगा, आपको परिवार से लाभ होगा, कुटुंब से लाभ होगा। जो लोग अपने जन्म स्थान में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या घर में ही कोई शॉप डालना चाहते हैं, या घर से कोई काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। तो धनु वाले प्लान करें, क्योंकि प्लानर तो ज़बरदस्त हैं। आप जो प्लान करेंगे वो निश्चित रूप से सफल होगा। आप प्लान करिए और उसको एग्जीक्यूट करिए, आपको लाभ होगा। वहीं जिन लोगों का काम वाणी से संबंधित है, टीचर हैं या कस्टमर केयर में या सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, उनके लिए अब अपनी जो पर्सनालिटी को डेवलप करने का समय आ गया है। कुछ और अच्छे वक्ता बने, इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज, उसके लिए कुछ अध्ययन आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से अब समय अच्छा है। मकर राशि वालों के लिए जो ये 2020 है, इसमें सबसे पहला सूत्र ये है कि हमें अहंकार नहीं करना है, किसी भी चीज़ का हमें कोई दम्भ नहीं है। ज्ञान हो, धन हो, जो भी चीज़ उपलब्धियां हैं उसमें और विनम्र रहना है। जैसे फल लदा हुआ वृक्ष और झुक जाता है, हनुमान जी महाराज को आपको आइडियल बनाना चाहिए। जिस तरीके से वो विनम्र हैं, वो अपने बल का अनावश्यक रूप से प्रदर्शन नहीं करते, ऐसा ही आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये समय नेटवर्क भी बढ़ेगा और कैरियर में भी ग्रोथ होगी। अगर आप बहुत लंबे समय से कहीं जॉब कर रहे हैं तो अब वो नौकरी बदलने का समय आ गया है, आपको अच्छी जगह से ऑफ़र मिलेंगे और ये ऑफ़र मई के आसपास मिल सकते हैं। और हो सकता है कि जो आपको ऑफ़र दें, कभी आप उनके अंडर में काम कर चुके हों, यानी आपके पुराने बॉस हो सकते हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और ख़राब में भी चोट लग सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो जीवन साथी को सलाह दीजिएगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई भी यात्रा अगर करें तो बहुत सचेत रहें इसको लेके। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय कुछ यात्रा का है। अगर आपको ट्रैवल करना है या आपका कोई काम ट्रैवल से संबंधित है तो खूब करिए, और अगर आपका ट्रैवल से संबंधित काम नहीं है तो भी कुछ ऐसे नियम बना लीजिए कि कुछ यात्राएं करनी है। अनावश्यक रूप से यात्राओं को रोकिएगा नहीं, अगर आप उसको रोकेंगे तो आपको चोट चपेट लग सकती है। धन किसी और माध्यम से खर्च हो सकता है, निगेटिव चीज़ में खर्च हो सकता है, तो ध्यान ये रखना है आपको कि यात्रा करनी है और वहाँ पर कुछ मीटिंग होनी है बाहर, नए लोग मिलने हैं, नए क्लाइंट मिलने हैं, और जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। वहीं जो लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं उनको भी लाभ होगा। मीन राशि वालों के लिए जो शनिदेव की जो स्थिति है, वो सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर आप लापरवाही करते हैं, बैठने में कहीं नस खींच सकती है, अगर आप बहुत झुक के काम करते हैं, या आपकी लाइफ में अभी तक व्यायाम था ही नहीं, बिना व्यायाम के काम चल रहा था, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। तो इस वर्ष शनिदेव आपको अलर्ट करेंगे व्यायाम के लिए, तो इसलिए आप अलर्ट रहिएगा। और छोटी सी भी दिक्कत अगर है तो आप उसमें व्यायाम, अगर डॉक्टर कहता है कुछ आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए तो करने लगेगा, क्योंकि शनिदेव एक दो बार आपको वार्न करेंगे, उसके बाद वो कुछ बड़ी समस्या दे देंगे,
जिसमें तो फिर फिजियोथेरेपी करानी पड़ सकती है, कुछ चोट लग सकती है, कुछ ट्रैक्शन लग सकता है, इसलिए आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। बाकी कैरियर वाइज चीज़ें अच्छी हैं, आपको लाभ होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा, आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। तो हमने शशि जी से जाना 2020 में शनिदेव कैसी रखेंगे अपनी चाल। अब वक्त है आपके सवालों का। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें अपना सवाल डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप या फिर मेल भी कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है और इसके अलावा आप हमें अपना सवाल वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का हमारा पहला सवाल कौन सा है इस वीडियो के जरिए। नमस्कार पंडित जी, मैं रतनपुर से रश्मि थापा बोल रही हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम तनिष थापा है, वो 16 जनवरी 2004 में पैदा हुआ था रतनपुर में, बुधवार 10:20 को। तो मैंने किसी से पूछा था कि उसकी कुंडली दिखाकर, तो उन्होंने बताया कि उसकी आगे की लाइफ बहुत ही कठिनाई वाली है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या उसकी लाइफ सही है कि नहीं। रश्मि जी का प्रश्न है अपने बेटे तनिष के लिए। कहीं इन्होंने कुंडली दिखाई थी तो बताया गया कि भाई जीवन इसका बड़ा ख़राब है। देखिए मीन लग्न है और तुला राशि है, और देखिए ऐसा कुछ भी बिल्कुल आप चिंता बिल्कुल मत करिए, जीवन इनका कहीं कोई नहीं ख़राब है। कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा यदि कमज़ोर है तो अक्सर लोग ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन इसमें चंद्रमा इनका बिल्कुल ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और भाग्यशाली कुंडली है, कर्मठ है, और ये करियर वाइज से काफ़ी ऊंचाई तक जाएगा। आपको उपाय करना है, आपको अगर इनके मामा हैं या नानी नाना हैं तो उनसे चांदी का कोई पात्र ले लेना है, कटोरी या ग्लास प्लेट, और इसको उसी में भोजन कराना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लंबे समय तक ये चांदी के बर्तनों में भोजन करेंगे उतना इनका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा और जितने भी राजयोग हैं वो सब फलित होंगे। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि भविष्य बहुत अंधकार में है। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब दर्शकों वक्त है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का राशिफल और बेहद महत्वपूर्ण काम की बात, और साथ ही होंगे आपके सवालों के जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है शशि जी। जय गणपति। तो दर्शकों कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं आज का हमारा दूसरा सवाल किसका है। तो दूसरा सवाल है हिमांशु पांडे का, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 2002, और टाइम है रात के 9 बजे का, प्लेस है सीतापुर। इनका सवाल ये है कि ये 12th में हैं और ये अपने फ्यूचर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हिमांशु जी का प्रश्न है, 12th में हैं, भविष्य को लेके चिंतित हैं, क्या करें, तुला लग्न है और कुंभ राशि, और कैरियर वाइज ये कुंडली अच्छी। देखिए सबसे पहली चीज़ तो हिमांशु जी आपको ये समझना है कि आपको आगे हायर स्टडी करनी है, पढ़ने का मन आपको सदैव बना कर चलना होगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसा नहीं कि आपको ग्रेजुएशन के बाद फिर पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको बहुत, आप ऐसे मानो कि आपके पूरे जीवन में पढ़ाई ज़रूर शामिल रहेगी, अध्ययन करना है, और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप मन लगा के 12th की तैयारी करिए, उसमें भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, और शिक्षा क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है आपका करियर हो सकता है, और निश्चित रूप से आपको एक उपाय करिए। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए, और जो भी आपको मांगना है, जो भी इच्छाएं हैं, वो आप हनुमान जी महाराज से मांगिए, निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं हिमांशु जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शशि जी से जान लेते हैं अगली चार राशियों का राशिफल। सिंह राशि वालों के लिए फोकस है, नए साल की शुरुआत गुरु के आशीर्वाद से करनी चाहिए, यानी इस माह पूरे जनवरी में आप गुरु से संपर्क करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। अलर्ट रहना है कि मोबाइल, अत्यधिक मोबाइल का प्रयोग आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कत दे सकता है।
कन्या राशि वालों के लिए फोकस है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपको कोई धोखा दे सकता है, कोई आपके पीठ पीछे आपका फीडबैक खराब कर सकता है, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। अलर्ट रहना है कि स्कूल के जो नियम हैं उनको विद्यार्थियों को नहीं तोड़ना चाहिए, वरना विद्यार्थियों के लिए आज दिन अच्छा नहीं। तुला राशि वालों के लिए फोकस है। आज के दिन आपको किसी पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। जो लोग व्यापार करते हैं उनको विश्वासघात हो सकता है, इसलिए धन के मामले में थोड़ा अलर्ट रहिएगा। अलर्ट रहना है कि यदि ऑफिस में कोई जिम्मेदारी आपको दी जाती है तो थोड़ा सजग रहिएगा, क्योंकि देख लीजिएगा आप वो जिम्मेदारी ले पाएं तो ही करिएगा, नहीं तो आगे तनाव हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए फोकस है। आपको ऑफिस में ज़्यादा समय देना पड़ सकता है, कार्य को करने के लिए पूरा तल्लीनता चाहिए, क्योंकि बॉस को प्रसन्न करने का आपको अवसर मिलेगा। अलर्ट रहना है कि मन में बेवजह की चिंता कुछ परेशान कर सकती है। तो ये था अगली चार राशियों का राशिफल। अब जान लेते हैं कि आज का हमारा तीसरा सवाल कौन पूछ रहा है। तो चलिए जान लेते हैं हमारा तीसरा सवाल आज कौन पूछ रहा है। तीसरा सवाल संदीप जी पूछ रहे हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ है 19/8/1986, प्लेस है देहरादून और टाइम है 1:50 1:50 AM। इनका सवाल ये है कि अभी मैं जॉब करता हूँ, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी कुछ समस्याएं आ रही हैं, इसके बारे में वो आपसे उपाय जानना चाहते हैं। संदीप जी का प्रश्न है कि जॉब करते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। मिथुन लग्न है, मकर राशि है, और देखिए आपकी कुंडली अच्छी है, लेकिन मेरी राय में अभी आपको बिज़नेस स्टार्ट करना भी नहीं चाहिए, परमात्मा खुद ही नहीं होने दे रहा। अभी आपको मेरी राय में 2 वर्ष कम से कम, अभी जो कि शनि की 7:30 पीक पे आ रही है और हम ये नहीं चाहते कि इस दौरान आप कोई रिस्क ले लें, कहीं कोई इन्वेस्ट कर दें और उसके बाद आपको लॉस हो जाए, तो थोड़ा धैर्य रखिए। अभी कुछ दिन आप जॉब करिए, जॉब चेंज कर सकते हैं, कुछ और लाभ ले सकते हैं, लेकिन व्यापार में भी रुकना चाहिए। एक उपाय आप करिए, पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दिया जलाइए रात में प्रत्येक शनिवार को, इसको आप उपाय करिए, आपको लाभ होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शशि जी से जान लेते हैं बाकी बची 4 राशियों का राशिफल। धनु राशि वालों के लिए फोकस है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा और सामाजिक गतिविधियों में भी आपको बहुत एक्टिव रहना है। अलर्ट रहना है कि पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर बहुत विवाद मत करिएगा, प्रेम से रहिए। मकर राशि वालों के लिए फोकस है। भविष्य की चिंता में वर्तमान न खराब करिए, बल्कि काम पर आप फोकस करिए, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। अलर्ट रहना है कि आज के दिन कर्ज लेने से बचना चाहिए, व्यर्थ का तनाव मिल सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए फोकस है। पुराने मित्रों से मिलने का मौका मिलेगा और कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, कुछ पार्टनरशिप हो सकती है। अलर्ट रहना है कि कार्य के अधिकता के कारण आपको तबीयत ढीली हो सकती है, आपको स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत हो सकती है। मीन राशि वालों के लिए फोकस है। मन की चंचलता पर ब्रेक लगाना होगा, क्योंकि मन जो है वो भटक सकता है और मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है, ये काम के लिए भी बहुत अच्छा है। अलर्ट रहना है कि कमर दर्द जैसी दिक्कतें आज आपको परेशान कर सकती है। तो चलिए कार्यक्रम के अंत में जान लेते हैं शशि जी से आज की सबसे महत्वपूर्ण काम की बात। दर्शकों, आज की काम की बात है शनि देव को कैसे प्रसन्न करें, और एक बहुत साधारण तरीका। देखिए, रसोई से जुड़ी हुई बात है। अगर आपकी रसोई में भुने हुए चने नहीं रखे हैं या आप क्या नहीं रहते हैं तो अब रखना शुरू कर दीजिए। किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए कम से कम 1 मुट्ठी चने हर शनिवार को खाने चाहिए, लैया चना खाना चाहिए। यानी चने का अगर आप आहार करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अंकुरित चने भी खा सकते हैं और भुने चने भी खा सकते हैं।
क्योंकि शनि देव चने से संबंधित हैं, हॉर्स पावर बढ़ती है, अश्व से संबंधित है, अश्व का आहार है, तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप लोग चने का सेवन करें, निश्चित रूप से आपसे शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण सबसे काम की बात, और आज के इस खास कार्यक्रम में आपने जाना आज का राशिफल और साथ ही जाना 2020 में शनि की कैसी रहेगी चाल। इसी के साथ हम चाहेंगे इजाजत आपकी, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आपका भी बहुत शुक्रिया पंडित जी। जय गणपति। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।